अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत इजी और बहुत ही टेस्टी बनती है। करेले बनाने जा रहा हूँ, करेले मसाला। करेलों में और आज कुछ नहीं डालूंगा, ना गोश्त, ना चिकन, ना बीफ, ठीक है जी। किसी किस्म का कोई जो है ना गोश्त वो नहीं डालूंगा, मीट वगैरह आज भी नहीं है, सिर्फ करेले मसाला जो है ना ये बनाने जा रहा हूँ। बहुत इजी बनता है, बड़ी आसानी से तैयार हो जाता है और बनता भी बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास चार टमाटर मैंने लिए हैं छोटे साइज़ के, 100 ग्राम हरी मिर्च ली है, ठीक है जी। और सेम उसी तरह पहले की तरह एक एक चम्मच मैंने ये लिया है लहसुन और अदरक, और इसे मैंने जो है ना कूट लिया है, ये कूटी हुई है जो ब्लेंडर नहीं हुई हुई। ये दो तेज़पत्ता, दो अदद दालचीनी के पीस छोटे, एक चाय का एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, दो चम्मच सुरख मिर्च, एक चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और एक खाने का चम्मच नमक, ठीक है जी। और मेरे पास आज जो है वो गरम मसाला ख़त्म हुआ है, वो नहीं डाला। और यहाँ ये देखें, मैंने तकरीबन 1 किलो प्याज जो है ना ये मैंने पतीले में डाल के तो चूल्हे पर चढ़ा दिए। ये प्याज मैंने जो फ्राई करने के लिए रखे हुए हैं। करेले मेरे पास जो मिनिमम है वो 3 किलो हैं, 3 किलो से ज़्यादा होंगे कम नहीं होंगे, ठीक है जी। तो फिर इसलिए मैंने 1 किलो जो है ना ये डाले हैं प्याज, ठीक है जी। चलो चलिए शुरू करते हैं जी। तो दोस्तों ये देखें, अभी हमारे जो है ना प्याज वो रेडी हो गए हैं, तो ठीक है जी। तो इसमें मैं अभी डालूँगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, उसका अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना फ्राई करने के लिए, उसका कच्चापन ख़त्म करने के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ साथ ही मैंने जो है ना दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने करेले जो है ना मैं फ्राई कर रहा हूँ वो रखे हुए हैं, और साथ साथ मैं इस तरफ जो है ना मसाला बनाता जा रहा हूँ या अपना रेडी करता जा रहा हूँ दूसरा काम भी, ताकि जब तक जो करेले फ्राई हों, चूल्हा जो है ना मैंने स्टोव बहुत हल्का रखा हुआ है यहाँ पर, ताकि जब तक मैं फ्राई कर लूँ करेले ये भी साथ में तैयार हो जाए हल्की आँच के ऊपर ही। अच्छा जी, मसाला जो है हमारा ये देखें, अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह जो है ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गया। अब इसमें मैंने ये मसाले डालने हैं, स्पाइसेस। रोज़ मैं जो है ना ये दालचीनी और तेज़पत्ता पहले डालने की कोशिश करता हूँ, भूल जाता हूँ, समझ गए, पता नहीं क्या हो गया मेरी याददाश्त को। तो अब ये देखें, इसके साथ ही जो है मैं डालूंगा अभी टमाटर और हरी मिर्चें, ठीक है जी। और ये डाल दिया मैंने, अच्छा जी ये देखें, ये मैं करेले फ्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। ये करेले मैं जो है ना फ्राई कर रहा हूँ, इसके बाद अभी मेरा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। अभी ये करेले थोड़ा सा रह गए हैं, थोड़े से बिल्कुल, तो ये फ्राई करके तो फिर इंशाल्लाह जो डालेंगे फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी ये देखें, मसाला जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो है ना बहुत अच्छे तरीके से ये देखें रेडी हो चुका है। और ये सारा मसाला मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे तैयार किया है, बिल्कुल हल्की लो स्टोव पे मैंने तैयार किया है, क्योंकि मैं साथ साथ करेले फ्राई कर रहा था, तो मैं चाह रहा था कि जैसे करेले फ्राई हों साथ में ये मसाला भी मेरा तैयार हो जाए। और अभी मैंने ये करेले फ्राई कर लिए हैं, ख़त्म हो गए हैं, और साथ में ये देखें मेरा मसाला जो है रेडी हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे ये फ्राई करेले। और इसे अच्छी तरह जो है ये इसमें मिक्स करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये टूटे भी ना और मिक्स भी हो जाए अच्छे तरीके से। ये मसाला करेले यानी कि मसाले वाले करेले जो है आज इसमें कुछ नहीं डाला,
मीट वगैरह कुछ नहीं इसमें डाला, सिर्फ करेले डाले और फ्राई किए और मसाले में जो है ना बना लिए। जी तो दोस्तों, मज़ेदार करेले मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। टेस्टी, देखने में भी जैसे आपको लग रहा है इसी तरह बिल्कुल, ये मैंने चेक किया अभी, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं करेले की मसाला। ठीक है जी, तो आप भी ऐसे ही अपने घर में तैयार करें। ठीक है जी, थोड़ी सी मेहनत करें तो इंशाल्लाह अच्छे तैयार होंगे। ठीक है जी, ये देखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तैयार होंगे, बहुत मज़ेदार डिश है ये। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ ये देखें अंगूठे वाला निशान जो है ना, प्लीज़ इसको जो है ना लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो कम अज़ कम, और वीडियो भी जो कम अज़ कम 3 मिनट तो ज़रूर देखें प्लीज़।